अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ फाइजर्स बिस्किट। इट इज़ ऑन पेज नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स टू रिमेंबर। नंबर 1 इज़ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गो टू ईट। एंड द सेकेंड इज़ टिफिन कैरियर। वॉट इज़ टिफिन कैरियर? समथिंग यू कैन प्लेस योर फूड इन इट टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। सो लेट्स बिगिन। फाइजा इज़ पुअर, शी इज़ हंग्री, हर टिफिन कैरियर इज़ एम्प्टी। फाइजा एक लड़की है जो बहुत गरीब है, वो बहुत भूखी है और उसका जो टिफ़िन है वो खाली है। फिर फाइजा क्या देखती है कि अ कार इज़ स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। एक गाड़ी रुकती है और उसमें से लोग निकलते हैं, जिसमें एक लड़की कह रही होती है लुक देयर आर द रेस्टोरेंट्स। वहाँ पर रेस्टोरेंट है एक। तो फिर वो लड़की अंदर अपने पेरेंट्स के साथ अंदर चली जाती है रेस्टोरेंट के। अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फाइजा, दे ऑल गो इन द रेस्टोरेंट। और वो फाइजा को देख रही होती है। नेक्स्ट, ऊ आइसक्रीम, सेज फाइजा। फाइजा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट। फाइजा रेस्टोरेंट के विंडो से अंदर देखती है और उसको आइसक्रीम नज़र आती है, जिस पे उसको उसका दिल चाहता है कि वो भी आइसक्रीम खाए। ओके, सो जो द पीपल आर हैविंग फन, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स। जो वहाँ पे लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सिंग करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक एंड देर आर अदर्स। वॉट आर द अदर्स सिंगिंग? वो हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं बच्ची के लिए जिसकी सालगिरह है। फिर फाइजा गाड़ी के पास बैठी हुई होती है जो उन लोगों की होती है। फाइजा इज़ सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। जब सब रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। द पार्टी इज़ ओवर, एवरीवन इज़ कैरिंग अ बैग, सबके पास एक बैग है, एंड वियरिंग पार्टी हैट्स, सबने पार्टी हैट्स पहनी हुई हैं। नेक्स्ट, वो लड़की आके जिसकी बर्थडे थी फाइजा को एक बॉक्स देती है और एक बैग देती है, तो फाइजा उसे वो ले लेती है। द लिटिल गर्ल गोज़ टू फाइजा एंड गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। नेक्स्ट, फाइजा ओपन्स द बैग, she eats some cake, she does not open the box. What's in it? फाइजा ने बैग खोला और उसमें से केक खा लिया, लेकिन उस बॉक्स को नहीं खोला। नेक्स्ट, फाइजा क्या करती है? she puts the box in her basket, she puts the basket on her head and goes down the road. वो उस बॉक्स को अपने सर पे एक बास्केट में रखती है और फिर रोड पर चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फाइजा इज आउटसाइड अ स्कूल। व्हाट इज़ शी डूइंग? हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर? फाइजा ने क्या किया कि जो बिस्किट उसे मिले थे उसने उसको कुछ पैसों में मुनाफे के ज़रिए बेच दिया और उससे पैसे कमा लिए। नेक्स्ट पिक्चर में 10 साल बाद दिखा रहे हैं कि फाइजा अब एक बिस्किट कंपनी खोल ली है जिसमें वो बिस्किट्स बेचती है। और इस तरह फाइजा ने अपना पूरा एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया एक छोटी सी स्टोरी से। तो क्लास, इसका काम आपने अपनी कॉपीज़ में करना है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।